साउंड सुनाता हूँ आपको। ओ माय गॉड क्या ही साउंड है। हाँ लो लो सुनो, वीडियो बना लो। कैसी लगी? बढ़िया लगी यार। बढ़िया है, चलो ठीक है फिर। ठीक है भाई। ओ भाई साहब, वेलकम बैक गाइज माई अनदर ब्लॉग। सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो आज हम अपना ब्लॉग सुंदरनगर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि इतने दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा, मतलब ब्लॉग बना ही नहीं पा रहा इतने दिन से, क्योंकि आपको पता है कि घर में थोड़ा सा इशू चला, फैमिली इशू चला हुआ था, तो उस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि आज छोटी सी राइड कर लेते हैं सुंदरनगर की और ब्लॉग भी निकाल लेते हैं एक छोटा सा। तो अपने आशीष भाई भी आ रहे हैं राइड करके, तो उनसे भी मिलाते हैं। और ये देखो हमारे छोटे भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो भाई मतलब ये मेरा छोटा भाई है, और भाई ये बड़े बड़े क्रिएटरों से मिल रहा है आजकल ना। नहीं भाई, इसने ना तबाही मचाई हुई है गंदे लेवल की, कसम से बोलूँ ना अगर। तो बाकी देखते हैं, फिर आशीष भाई भी आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं अब यहाँ पे। तो उनको फ़ोन किया था मैंने 1 घंटा पहले, तो उन्होंने बताया कि हम कुल्लू है, मतलब 1 घंटे में पहुँच जाएंगे ऐसा बता रहे थे। तो हमें तो थोड़ा एडवांस पहुँचना पड़ेगा, आपको बताइए। और बाकी झील देखो आप, काफ़ी टाइम बाद सुंदरनगर दिखा रहा हूँ मैं, ये रही प्यारी सी झील। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, जब आशीष भाई आ जाएंगे तब मिलते हैं फिर। ओके बाय। तो फ्रेंड यहाँ पे आशीष भाई भी आ चुके हैं अपने। ओ माय गॉड, ओहो भैया क्या किया हुआ है आपने, ये इधर पहना दिया। कैसे हो? नहीं यार हो, सच्ची कल चले होते ना मेरे साथ, बोला था ना चलो। वो तो था बट शॉप पे अब पता ही आपको, ठीक कोई सीन नहीं था, बड़े बंदे थे कल और पीछे सब। अच्छा और ठीक हो ना? ये पर ये सीन समझ में नहीं आ रहा, ये कहाँ फंसा दिया बेचारा। वैसे यार लात पे लगा के थक गया था। इस पे हो किया हुआ आपने? हाँ बस, तब नहीं टेंशन। तो भैया अभी बहुत लंबी राइड करके आया भैया, कहाँ से आया आप राइड करके? जिस पर से लगातार नॉन स्टॉप। ओ भाई हमारे साथ 3 राइडर और थे, डॉक्टर विजय खन्ना ओमकार एंड जसकरण पाजी, और रमन पाजी भी हमारे साथ होते लेकिन उनको हगने की आदत हो चुकी है। नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं होते पूरे भाई, मैंने आपको 1000 बार बोला है, प्लानिंग रह जाएगी करते करते। वो तो है, अब उनका भैया कभी कैंसिल हो गया ना, अब उस चक्कर में सबके चक्कर। मैंने उस टाइम बोला था मानते नहीं, संडे देखो आज इतने फोन आए ना कस्टमर के, सिर्फ आज के लिए भी देख लो। अच्छा मुझे पता था काम नहीं है, हमें था कि हम शाम को हम वापिस आ रहे थे, हमें मिल गया। पर हालत देख आपकी आंखों से पता लग रहा भाई, गंदे डार्क। हाँ कहाँ पे सोना? नहीं नहीं नींद नहीं आई यार, ऐसा नहीं है, चले गए तो सब 11:30 बजे रूम में। बड़ी बुरा हाल था भाई, सांस ले लो थोड़ी सी, सांस ले लो थोड़ी सी, इसको कर लो तालो थोड़ी देर, थोड़ी देर नहीं अभी नहीं ताना, थोड़ी देर तो आप फोटो ले लो इनको, इसने फोटो लेनी। हाँ 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 मैं लेता फोटो। तो भाई ये देखो भैया, प्लीज नाम रख लो अच्छा सा कुछ। हाँ रखो नाम, हम भी रखेंगे तो नाम क्यों। तो भाई वो देखो, वो खड़ी हुई है अपनी वुल्फ, तो भाई इसका भी नाम कुछ सोचेंगे। हाँ बैठ जाओ फोटो लेता आपकी मैं। तो फ्रेंड्स ये रही अपनी 6R भैया की, आशीष भैया की। तो अब हम थोड़ा सा इसको राइड करेंगे और थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। तो और सामने हमारा छोटा भाई फोटोज ले रहा है। ओ माय गॉड, साउंड सुनाता हूँ आपको। ओ माय गॉड क्या ही साउंड है। वीडियो बनाना आप, ठीक है वीडियो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब क्या ही लोच था भाई, खतरनाक भाई, लग की फील है भाई, लग की फील, कुछ बोले नहीं जा रहा, शब्द ही नहीं है कुछ। ओ भाई क्रैकल की बात सुनो आप भाई, आशीष भैया इतने अच्छे ना, मतलब
बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और देख लो, ऐसे कोई भी सुपर बाइक चलाने के लिए नहीं देता। और भाई कुछ बोला ही नहीं जा रहा आप तो, राम राम से मोड़ नहीं है, क्योंकि पहले थोड़ा सा मैं नर्वस हो जाता हूँ सुपर बाइक चलाते टाइम, और वो कभी भी नहीं करना। और जैसे आप नॉर्मल बाइक चलाते हो ना, वैसे तो ये चलेगी नहीं भाई, इसको तो पूरे ठंडे दिमाग से चलाना पड़ेगा। अब देखना फ्रेंड्स, ओ भाई रिएक्शन देखो, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल भाई, देखो जरा रिएक्शन देखो आप। धीरे धीरे मोड़नी पड़ेगी राम राम से। हाँ जी भैया, हाँ लो लो सुनो, वीडियो बना लो, कैसी लगी? बढ़िया लगी यार। बढ़िया है, चलो ठीक है फिर। ठीक है भाई। भैया कसम से ब्लॉग ही नहीं बनाया जा रहा। मेरे से तो कुछ बोलना भी नहीं जा रहा ब्लॉग में, वो कैसे बोलते होंगे? वो धीरे करने था ना बाइक पर। हाँ हाँ हाँ। अटल टनल में बंदे ने 270 लगा दी। अटल टनल में? अटल टनल में 270। ए खन्ना उमकार ने? भैया ने 160। ये भी कहाँ मानते हैं? मैंने आज भाई 260 भाई कसम से। हाँ मैं वही बोल रहा था, नॉर्मल बंदा चलाएगा ना ऐसी बाइक सोच के चल जाएगी नीचे से। छूट जाती है, छूट जाती है। रील किसके साथ? अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ी सी आगे करूँ तो। अरे भैया कसम, मैं खुद हरियाणा भाई, जब मैं गया ना लॉन्च किया मैंने वो भाई, क्या ही फर्स्ट टाइम चलाई मैंने ये वाली, ऐसे बड़ी भारी एकदम से ऐसे होगी एकदम से ही। और हल्के समय और देते ना तो नीचे से चले जानी थी। खन्ना को 10 मिनट लगे मेरे पीछे लगे हुए, ओवरटेक नहीं कर पाया भाई। बंजा प्रो राइडर आप भी कहते हैं ये तेज क्यों है इतनी भाई, छोटा पैकेट इतना बड़ा धमाका है ना ये। मैं सीधी सवाल हूँ भाई, मान सकता हूँ कि 10 आर को टक्कर दे सकती है? मैं आप बोलते हो ना 10 आर, मैं बोलता हूँ ये ले लो या फिर BMW ले लो। BMW तो बहुत महंगी चल रही है। 10 आर मत लेना, 10 आर में नहीं, ये लूंगा मैं 10 आर में। अब मेरा थोड़ा जा रहा है इस पे दिल। अब भाई मैं कह रहा हूं लोग इतने खुश हो रहे हैं ना भैया को, इतने कमेंट आए हैं ना मनाली से, इतने कमेंट आए हैं भाई सब, भैया आवाज अल्टीमेट थी, आप पूरा ग्रुप गया भैया, मजा आया, इतने कमेंट्स दिखा दिए मेरे को भैया, मैसेज आए हुए बंदों के स्पेशल। वही है उधर मेरे को रोक लिया वहां पे, भैया साउंड सुना दो आज बड़े जो बंदे, उनसे ज्यादा साउंड है वैसे आपके, डॉक्टर भैया ज्यादा साउंड है इसकी, डॉक्टर का ज्यादा। अरे डीपी किलर लगाया हुआ है ना आपने? नहीं लगा हुआ। नहीं लगा है? हाँ यार डीपी किलर नहीं लगा हुआ बिल्कुल ही है पूरा। तो यहाँ पे फोटोशूट कर रहे भैया। भैया मैं बोल रहा ना अगर रुक नहीं सकता। हाँ समझ गया, फीलिंग समझ गया ना, बट मेरा बड़ा दिल था, बताओ क्यों? क्योंकि आप थके हुए हो। वो बात थके की नहीं, घर में किसी बात घर पे वही है ना, घर वालों को यही है कि स्टूडियो गया। मैं तभी तो उधर से बात किया था, वो मनाली रुक गए, कहते आप भी रुक जाओ, कहते सुबह फिर राइड करते हुए चलेंगे। हाँ वो तो कुछ थे अलग ही। तो फ्रेंड्स यहाँ से निकल रहे हैं अब, लीव दिस एरिया। तो भैया चैनल कर लो सब्सक्राइब हमारा। ठीक है हाँ बोलता गिर जाऊंगा उल्टा। और भाई चलो तो निकलते हैं यहाँ से, टाइम भी बहुत हो चुका है। तो यहाँ पे अब फ्लाई बाई मारने वाले हैं अपने आशीष भाई। और भाई क्या ही पिकअप था भाई बाइक का, कसम से भाई नेक्स्ट लेवल। मेरे से तो कुछ बोला ही नहीं गया ना, क्योंकि मैंने एकदम से मतलब लॉन्च ही एकदम कर दी। और भाई इतना पिकअप, फिर
हार्ट बीट भी कुछ ज़्यादा ही होगी थी। कहाँ रहेगी अपने आशीष भैया? भाई जो मर्जी बोलो, मतलब छोटा सा ब्लॉग प्यारा सा ब्लॉग बनाऊंगा ना, तो प्यारा सा कमेंट कर देना आप। एक तो ये सिंगल रोड कर दिया है ना, क्योंकि लैंडस्लाइड हुई है आगे, आपको बताऊंगा मैं। पता ही है बरसात स्टार्ट हो चुकी है तो लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है। वो देखो भाई, ये है भाई निंजा कावासाकी। भाई अपने भाइयों के साथ ना दूसरी खुशी मिलती है। क्या हुआ? बनाओ बनाओ बनाओ। तो भाई अपने छोटे भाई को कर देंगे अब यहाँ पे अलविदा। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है, और ठीक है ना, वीडियोस वगैरह बनाते हो अच्छी बात है, पर ब्लॉग भी निकाला करो, ठीक है ना? ओके ओके ओके, ठीक है भैया। मैं भी पता कितना दौड़ के आया हूँ, तेल भी नहीं डलवाया हुआ मैंने, तेल खत्म है यहाँ पे यहाँ पे। चलो चलो, तो यहाँ पे अब फ्यूल भरवा लेंगे हम। भाई देख सकते हो पूरी एम्प्टी में गिर चलेगी है भाई, कभी नहीं करता मैं ऐसा, पर आज जल्दबाजी थोड़ी ज़्यादा थी और वेट हमने चलना चाहिए। क्यों हुआ? कल इनको साथ जाना चाहिए। अरे भैया अब तो मतलब ना कसम से, एक तो बड़ा भारी वो लग रहा अफसोस जैसा ना, दुख जैसा, और ऊपर से फिर सबने ही मना कर दी, समझ रहे? सोमवार को मना कर दी सबने, कैंसिल हो गया उनका भी, स्मित भैया का, सबका। कहाँ? वो तो जम्मू जा रहा है। तो फ्रेंड्स हमने फ्यूल भरवा लिया अपनी बाइक में, तो बस यहाँ से निकल रहे हैं, अब कोई टेंशन नहीं है। और अपने आशीष भाई थोड़ा सा आगे चले गए हैं, और मेरे को थोड़ा सा टायर की वजह से भी स्लो चलना पड़ता है। नहीं नहीं, ठीक है। कैसे हो भैया? मैं भी ले रहा हूँ बाइक ना, ऐसी निंजा की वाली। अच्छा, तो वो क्या बोलते हो, 1000 cc की है, 10R है। 10R कितने की पड़ेगी? वो 22 lakh है। 21-22 lakh विद पूरी मॉडिफाई विद एग्जॉस्ट, मतलब पहले तक चली जाती है। हाँ फुल मॉडिफाई 25 तक आराम से। अगर ऐसे जैसे आप मतलब आप है कोई नीचे सेकंड हैंड वगैरह जैसे कोई मिल जाए? हमारे तो कोई भी नहीं ऐसे। भैया देखना कितने का, 4-5 lakh। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बता रहे भैया को, बड़ा खर्चा नहीं लगेगा। नहीं मेरी तो बात होगी है उनके साथ, जो डीलर हैं चंडीगढ़ में, पता कौन से हैं। चलें फिर भैया, चलें और निकलो, अंधेरा हो जाएगा ना फिर। अभी घर जा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। कोई नहीं, अगर बजट है तो ले लो फिर, ये रखना भी। हाँ पैसा होना चाहिए और तो कुछ नहीं है। जब तक रखोगे भाई? ज़्यादा ही रखो, इतना हो ही जाता है, इससे ज़्यादा ही तो डेली चलनी है। तो भैया इसकी सर्विस भी कुछ? भैया खड़ी भी रखोगे ना आप, तब भी सर्विस करवानी पड़ेगी आपको, इसका तेल खराब हो जाता है, सीन वो है। आना पड़ेगा या नहीं आएंगे? नहीं, एक्स्ट्रा चार्जिंग होगी फिर, एक्स्ट्रा चार्जिंग। 6000 रुपया सर्विस का, 6 महीने बाद सर्विस होनी होनी है। बाइक चलाओ या ना चलाओ, चलो। तो भैया भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, क्योंकि ये भी बोल रहे हैं कि 10R लेने की सोच रहे हैं, पर वही सीन है कि बंदे सोच लेते हैं, मतलब ले भी लेते हैं पर फिर कुछ टाइम बाद बेच भी देते हैं, क्योंकि पता है उनको कि मेंटेनेंस है जो वो सबसे महंगी है इन सुपर बाइकों की। माय गॉड, क्या प्यारे प्यारे लीन मार रहे हैं आशीष भैया, बिल्कुल आराम से प्यार से। भाई इनका जो पिकअप है ना, पता ही आपको, हल्का सा एक्सीलेटर घुमाया और भाई छू मंतर। मैं अपनी मतलब ही नहीं है कि इनको पीछे कर दूं मैं।
ना कि मैं ज़्यादा लीन भी नहीं मार रहा। थक चुके हैं, क्रूज कंट्रोल ऑन कर लो। कितने प्यारे हैं वो देखो क्या कर रहे हैं, हाथ छोड़े हुए इन्होंने पूरे। क्या बात है भाई, इसको स्टंट मत समझना आप ना, क्योंकि थक चुके हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप देख सकते हो पीठ पूरी रेडी करनी पड़ती है। बाय बाय बाय, पूरा मतलब सो के चलानी पड़ती है, ये अग्रेसिव है पूरी, तो उस वजह से बैक पेन भी होने लग जाती है। ओ हो हो, ये क्या हो रहा, गियर शिफ्टिंग देखो आप, वाह भाई नेक्स्ट लेवल। ऐसी कोई गर्दन नहीं है जो मतलब मुड़ नहीं रही हो। वो देखो कैसे रिएक्शन मिल रहे हैं बंदों के। भाई कसम से ऐसे मैं इनकी शक्ल देख रहा ना, बहुत हालत ख़राब हो चुकी है इनकी, पर मज़ा भी बहुत आता है। क्या रिएक्शन मिल रहा है, बंदा फ्लाइंग किस ही दे रहा है पूरी। यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, थोड़ा स्लो करना पड़ेगा क्योंकि आशीष भैया की तो नंबर प्लेट डली नहीं, अभी टेम्परेरी नंबर से घूम रहे हैं। हमारे तो घर आ जाएगा चलान, भैया को बताना पड़ेगा, सिंगल रोड है। और भाई ये देखो ये हुई है वो लैंडस्लाइड, देखो भाई बरसात में यही सीन होता भाई, रोड्स भी पूरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं कई बार। आपको कोई वेट कर रहा है किरतपुर, कौन दोस्त है? अच्छा, वो भी कोई शंबाला वाला अरुण भाई। अच्छा, उससे तो होती रहती बात है, उससे तो पूछता रहता मैं जैकेट वगैरह, उसने दिलवाई नहीं मेरे को। अप्पू है दूसरा है, एक और है वो अप्पू है। अच्छा अच्छा, पतले वाला बोल रहे, पतले वाला? हां पतले, हां पतले वाला, हां वो मोटे वाला है ना। चल ठीक है फिर, रखना ध्यान, आराम से जाना, आराम से जाऊंगा, नहीं तो आपकी मसाज कर देते हम। नहीं नहीं ठीक है, घर पे बोलना नमस्ते अंकल आंटी को, नमस्ते बोलना। है अगली बार नहीं, रात को आपके पास आ जाऊंगा। पक्का पक्का, आप तो पता है आप कैसे जाओगे, 20 मिनट में हो रहे हैं किरतपुर, किरतपुर 20 मिनट में, आराम से आना पर। ठीक है ओके बाय बाय। फ्रेंड्स, आशीष भाई को भी हमने अलविदा कर दिया है, तो वो भी लेट हो रहे थे, तो मुझे तो जाना पड़ेगा बिलासपुर क्योंकि सामान मंगाया है पापा ने कुछ। फ्रेंड्स फाइनली घर पहुंच चुके हैं, तो पहले सामान दे देते हैं। लो तो फ्रेंड्स सब खोलना पड़ेगा गेट जल्दी से भाई, मतलब गर्मी में ना उबल गए भाई, कसम से बोलो मेरी इतनी हालत ख़राब होगी ना, तो भाई सोचो आशीष भैया की कितनी ख़राब हुई होगी हालत, पर इसमें अपनी सेफ्टी है, राइडिंग जैकेट होना तो अपनी सेफ्टी होती है। और भाई ये देखो कितनी प्यारी आंखें लग रही है, रेड और वाइट अपनी वुल्फ, ये भी मक्खन जलती है पूरी। तो चलो अब इसको देंगे हम रेस्ट। फ्रेंड फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, तो भाई हिमाचल में पता ही आपको कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, ऊपर से फिर बरसात का सीज़न है, मतलब पूछो मत। जैकेट पहनी हुई थी राइडिंग हमने, उससे भाई बड़ी बड़ी गर्मी लग रही, तो सोच सकते कि आशीष भैया की कितनी हालत ख़राब होगी होगी। अभी उनका ही कॉल आ रहा है। फ्रेंड्स आशीष भाई की कॉल आ रही थी, देख लिया आपने, तो वो किरतपुर पहुंच चुके हैं। तो बाकी अब हम ब्लॉग को यहीं पे कर देंगे एंड, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय, टेक केयर।